कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ स्नैक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और उनके बारे में इन्फॉर्मेशन लेकर आई हूँ, ठीक है। तो चलो बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। स्नैक नंबर वन, दे आर फ्लेस ईटर एंड हंस एनिमल। वो लोग फ्लेस ईटर है, मतलब वो लोग कच्चा चीज खाते हैं और वो लोग एनिमल्स का शिकार करते हैं, ठीक है। नंबर टू, दे डू नॉट हैव आर्म्स एंड लेग्स, दे स्वेलो द एनिमल दे ईट। तो उसका जो कोई आर्म और लेग्स नहीं है, ठीक है, वो लोग स्वेलो कर लेते हैं एनिमल्स को, ठीक है। उसके बाद है, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ स्नैक्स आर दियर, देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्नैक। नंबर वन, पोजनॉश एंड नॉन पोजनॉश, ओके। उसके बाद है, वेयर डू स्नैक्स लिव, अपार्ट फ्रॉम एक्सट्रीमली कोल्ड कंट्रीज स्नैक्स फाउंड एवरीवेयर। तो देखो कहाँ स्नैक्स रहते हैं, तो देखो जहाँ बहुत ठंडा होता है ना, मतलब कोल्ड कंट्रीज के, वहाँ पर ज़्यादा स्नैक्स पाया जाता है और स्नैक्स जो है ज़्यादा ठंडा जगह में रहते हैं, ठीक है। What are the different body part of snakes? Eye, mouth, tongue, tail, body, head. उसके बाद है, name some poisonous snake. तो सबसे पहले में आता है इंडियन कोबरा, और आता है साव, वीपर और कॉमन क्रैट और स्पेटेक्टेड कोबरा। और फिर ये सेवन नंबर एक पॉइंट है, स्नैक्स लिव इन ब्रांचेस ऑफ ट्रीज अंडर सॉइल एंड इन वाटर। और देखो, वेयर डू स्नैक्स लिव, ठीक है। तो इस पे जो है आप लोग ये पॉइंट्स लिख देना, स्नैक्स लिव इन ब्रांचेस ऑफ ट्रीज अंडर सॉइल एंड इन वाटर, ठीक है। और ये जो आंसर है तो आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, तो स्नैक्स ज़्यादातर कौन से कंट्री में इसमें पाया जाता है, ऐसा कुछ होगा तो आप लोगों को ये लाइन लिखना है, ठीक है। उसके बाद है, हाउ डू दे मेंटेन द बैलेंस ऑफ नेचर। तो वो लोग अपने मेंटेन बैलेंस को कैसे नेचर करते हैं, ठीक है। तो है, दे मेंटेन बैलेंस ऑफ नेचर बाय ईटिंग एनिमल्स लाइक रैट्स एंड मोल्स, ओके। उसके बाद, हाउ डू स्नैक्स स्वेलो एनिमल्स बिगर देन देम, ठीक है। तो द बोन्स इन दिस स्केल ऑफ अ स्नैक आर सो अरेंज्ड दैट दे कैन एक्सपेंड दियर जॉज एंड ओपन दियर माउथ वाइड। नाउ नेक्स्ट इज, हाउ डू स्नैक स्मेल, स्नैक कैसे स्मेल करते हैं, ठीक है। स्नैक कैन टेस्ट the molecules of skin in the air with their parted tongue by talking them inside their mouth, okay. Next is, how can snake measure temperature, snake kaise temperature ko measure kar sakta hai. Some snake have temperature measuring sensor in their mouth, apne mouth se wo temperature measure kar sakte hain. मतलब ऐसा नहीं है कि हर एक स्नैक ही कर सकता है, तब कोई कोई स्नैक्स है जिसके अंदर जो सेंसर है टेम्परेचर मेजरिंग का, ठीक है, वो लोग अपने माउथ से टेम्परेचर को मेजर करते हैं। उसके बाद है, नेम द स्नैक्स विच गिव्स बर्थ डायरेक्टली। तो कोई ऐसा स्नैक का नाम पूछ रहा है जो डायरेक्टली बर्थ दे देता है, ठीक है। तो आंसर है, द स्नैक्स विच गिव्स बर्थ डायरेक्टली आर चंद्रा बोरा एंड मितुल, ओके। तो गाइस, इतना ही तक स्नैक का मैं आप लोगों को दे सक रही हूँ इम्पॉर्टेंट जो स्नैक का इम्पॉर्टेंस स्नैक से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट कोई थिंग से मैं आप लोग को रिलेटेड क्वेश्चन दूंगी, ठीक है। तो अब जरूर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करना, और मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और ऐसे और इन्फॉर्मेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना, और कोई भी डाउट लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।